खरगोन जिला पंचायत सीईओ ने भ्रष्टाचार के मामले में आई शिकायत में जांच उपरांत ग्राम पंचायत टांडा बरूड़ की सरपंच रोशनी कुमरावत और सचिव मोहन राठौर पर 23,50,797 रुपए की राशि की वसूली का आदेश जारी किया है। निकाले गए वसूली आदेश अनुसार 30 दिवस पर राशि नहीं जमा करने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही होना बताया गया है। उक्त समग्र विवेचना के आधार पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तहसीलदार ग्रामीण तहसील खरगोन को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन और कार्यालय पर अधिनियम व्यय की गई कुल अक्षरी राशि 23,50,797 में से सरपंच रोशनी रूप कुमार कुमरावत ग्राम पंचायत टांडा बरूड़ जनपद पंचायत खरगोन से कुल राशि 11,75,399 अनावेदन दो मोहन राठौर ग्राम पंचायत टांडा बरूड़ सचिव सरपंच पंचायत खरगोन में कुल राशि 11,75,399 की वसूली भू राजस्व के बकाया की तरह 30 दिवस में वसूल करें। कुछ माह पूर्व ग्राम पंचायत टांडा बरूड़ उप सरपंच राकेश कुमरावत पंच गोपाल भावसार द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर वरिष्ठ डाटा मैनेजर जिला पंचायत खरगोन और लेखाधिकारी मनरेगा जिला पंचायत खरगोन द्वारा जांच की गई। वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि अगर इतने बड़े मात्रा में कोई सचिव सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं, वह शासन उस पर कार्यवाही नहीं करता है, तो ऐसे कार्यों से जिले एवं प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि व ग्रामीण आवाज नहीं उठाएगा। अंत जल्द से जल्द भ्रष्टाचार जैसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्यवाही होना उचित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बरूड़ का जो सरपंच है उसका निराकरण नहीं अभी तक हो पा रहा है। नहीं, निराकरण तो हुआ है। माननीय सीईओ जिला पंचायत महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया है और 23,50,000 की जो वसूली है उसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। एक माह में दोनों से बराबर बराबर की राशि वसूली करने के निर्देश जारी किए हैं। तो इनको सर समय कितना? एक महीने का दिया है। अगर एक महीने बाद ये राशि जमा नहीं करते हैं तो पंचायत राज के अधिनियम की धारा के अनुसार उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार शाह, सीईओ जनपद पंचायत खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।